Assalamu alaikum and hello guys, this is Shahzad Rasool Sajjan and you are watching Mr. Sajjan YouTube channel. Today we are going to create this modern typography animation in Adobe After Effects. और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये बहुत ही कूल सा टाइपोग्राफी है और बहुत सिंपल स्टेप्स होंगे और हम जल्दी से क्रिएट कर लेंगे इस एनिमेशन को और आप अपने क्लाइंट्स के लिए या आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इसे बनाकर यूज कर सकते हैं. बहुत ही जबरदस्त होने वाला है आज का ये ट्यूटोरियल. सो लेट्स जम्प इन टू द Adobe After Effects and create this modern typography. We are in Adobe After Effects and as usual, first of all, I am creating new composition and the name is main composition, 1920 by 1080, 30 frames per second and 10 seconds duration, and then okay. Right click, new and create new solid, या आप control Y press कर सकते हैं अपने keyboard से. मैं name simply solid ही ले रहा हूँ, color simply white and then okay. Solid layer पर effect and preset से gradient ramp apply करेंगे. ओके और ग्रेडियंट रैप में कलर्स आप कुछ इस तरह से लेंगे. कलर्स आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं बट अगर आपने सेम लेना है तो आप कोड्स फॉलो करेंगे. फर्स्ट कलर इज समथिंग लाइक दैट एंड द सेकंड वन इज समथिंग लाइक दैट. ओके स्टार्ट कलर का कलर पॉइंट मैं इस साइड पर मूव कर रहा हूँ एंड सेकंड लाइक यहाँ पर. ओके आफ्टर दिस सॉलिड लेयर पर सीसी जावा अप्लाई करेंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट से. डायरेक्शन -50, हाइट 10 रहने देंगे एंड वेट 25% और शेप आपने लेना है वेव्स. कंप्लीशन को जैसे ही हम प्लस माइनस करेंगे तो ये नजर आएगा आपको के किस तरह से ये मूव हो रहा है. यहाँ पर हम इसको एनिमेट करेंगे जीरो ड्यूरेशन पर. कंप्लीशन पर की फ्रेम देंगे और उसका वैल्यू 100% कर देंगे 1 सेकंड एंड 10 फ्रेम्स पर, या आप अपनी मर्जी का ड्यूरेशन ले लें, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है. 1 सेकंड एंड 10 फ्रेम पर मैं इसका कंप्लीशन 0% कर रहा हूँ. तो ये इस तरह से एनिमेट होगा. सॉलिड लेयर पर यू प्रेस करेंगे, की फ्रेम नजर आएंगे. दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट एंड इजी ईज या F9 आपके कीबोर्ड से. उसके बाद ग्राफ एडिटर में आना है, दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है और लुक समथिंग लाइक दिस. ओके इट्स परफेक्ट. आफ्टर दिस कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं है, हम पेन टूल लेंगे और एक शेप क्रिएट करेंगे. ओके एंकर पॉइंट सेंटर कर लेंगे. शेप लेयर पर इफेक्ट एंड प्रीसेट से ग्रेडियंट रैंप अप्लाई करेंगे और इस टाइम पे कलर में कुछ इस तरह से ले रहा हूँ. फर्स्ट कलर समथिंग लाइक दिस एंड द सेकंड वन इज. कलर पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं. अगर आपने सेम सेट करना है तो आप ये देख लें मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, लाइक दिस. ओके अगेन कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं है, पेन टूल लेंगे और एक और शेप क्रिएट करेंगे, अनदर साइड. आप अपनी मर्जी के डिजाइन का शेप सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं. फर्स्ट शेप को सिलेक्ट करना है, ग्रेडियंट रैंप को कंट्रोल सी से कॉपी करना है और सेकंड वाले शेप पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है. कलर पॉइंट्स को सेट कर लेंगे, बैकग्राउंड के कट से थोड़ा पीछे रखेंगे शेप को, लाइक यहाँ पर. एंकर पॉइंट सेंटर कर लेंगे. अगेन कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं, पेन टूल लेंगे और एक और शेप क्रिएट करेंगे. ओके सेम इस शेप पर भी कंट्रोल वी से सेम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे और कलर पॉइंट सेट कर लेंगे. ओके फर्स्ट शेप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, पी एंड शिफ्ट आर प्रेस करेंगे पोजीशन एंड रोटेशन के लिए. 1 सेकंड एंड 10 फ्रेम पर रोटेशन एंड पोजीशन पर की फ्रेम देंगे एंड जीरो ड्यूरेशन पर रोटेशन माइनस करेंगे लाइक -40 तक एंड पोजीशन इस साइड पर. एनिमेशन को चेक करेंगे. ओके इट्स परफेक्ट. चारों की फ्रेम सेलेक्ट करने हैं F9 से इजी ईज एंड ग्राफ एडिटर में लुक चेंज करना है लाइक दिस. इट्स प्रीटी गुड. सेम इसी तरह से बाकी की दोनों शेप्स को भी स्टेप बाय स्टेप पोजीशन एंड रोटेशन लेना है. 1 सेकंड एंड 10 फ्रेम्स पर रोटेशन एंड पोजीशन पर की फ्रेम एंड जीरो ड्यूरेशन पर. यहाँ पर रोटेशन थोड़ा प्लस करेंगे क्योंकि ये ऑपोजिट साइड पर है शेप. रोटेशन लाइक 45 तक और पोजिशन इस साइड पर. सभी की फ्रेम सेलेक्ट करने हैं और इजी ईज कर लेना है. ग्राफ एडिटर में इनका भी लुक चेंज करेंगे ग्राफ एडिटर में लाइक दिस. लास्ट शेप पर भी सेम ये स्टेप्स हैं, पोजीशन एंड रोटेशन लेना है. शेप को सेलेक्ट करेंगे, पहले एंकर पॉइंट सेंटर कर लें, पी एंड शिफ्ट आर प्रेस करेंगे पोजीशन एंड रोटेशन के लिए. 1 सेकंड एंड 10 फ्रेम्स पर पोजीशन एंड रोटेशन पर की फ्रेम एंड जीरो ड्यूरेशन पर रोटेशन प्लस करेंगे लाइक दिस एंड पोजीशन राइट डाउन कॉर्नर साइड पर. ओके इट्स परफेक्ट. सभी की फ्रेम सेलेक्ट करने हैं F9 से इजी ईज एंड ग्राफ एडिटर में इनका भी लुक चेंज कर देंगे. ओके
तीनों शेप्स को फ्यू फ्रेम्स का डिस्टेंस देना है, लाइक दिस। ओके, अभी प्ले करके देखते हैं। इट्स परफेक्ट। अगेन कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं, पेन टूल लेंगे। इस टाइम पे फिल नन एंड स्ट्रोक वाइट कलर साइज 5। सिंपली एक पेन टूल से एक पॉइंट बनाएंगे और शिफ्ट को प्रेस करके बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन बनाएंगे लाइक दिस। शेप लेयर का लेबल कलर चेंज कर लेंगे, हमें पता रहेगा ये डिफरेंट है। लेयर को एक्सपेंड करना है, कंटेंट एंड शेप 1। शेप 1 को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना है, शिफ्ट को प्रेस करके एरो की प्रेस करना है 1 टाइम, तो ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह से अगेन शेप 2 को डुप्लीकेट करना है, नीचे शेप 3 को डुप्लीकेट, नीचे करते जाना है। और आपने इसी तरह से आपने डुप्लीकेट करते जाना है और नीचे करते जाना है। 15 to 16 लाइंस आपने क्रिएट करनी है इस तरह से। एंकर पॉइंट सेंटर कर लेंगे शेप का। इसके बाद एलिप्स टूल लेना है, फिल सॉलिड कलर कोई भी हो, स्ट्रोक 0। कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं, कंट्रोल एंड शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड करना है और एक सर्कल क्रिएट करना है लाइक दिस। लाइंस वाला जो शेप लेयर है इसका ट्रैक मैट अल्फा मैट कर देना है। ट्रैक मैट का ऑप्शन अगर नजर नहीं आ रहा तो F4 प्रेस करेंगे आप अपने कीबोर्ड से। बाकी इसको आप सर्कल में सेट कर लेंगे जहाँ पे आपको परफेक्ट लगे। आई थिंक यहाँ पे परफेक्ट है। एलिप्स शेप को लाइन शेप का पेरेंट कर देंगे। लाइन शेप पर R प्रेस करेंगे और रोटेशन 30 एंड 1 सेकेंड एंड 10 फ्रेम्स पर रोटेशन पर की फ्रेम देंगे एंड शिफ्ट P प्रेस करेंगे। पोजीशन पर भी की फ्रेम देंगे और इस टाइम पे पोजीशन हम यहाँ पे सेट करेंगे इसका। एंड 0 ड्यूरेशन पर रोटेशन -30 एंड पोजीशन लाइक दिस। ओके, इट्स परफेक्ट। सभी की फ्रेम सेलेक्ट करने हैं F9 से इजी ईज एंड ग्राफ एडिटर में लुक थोड़ा सा चेंज करना है लाइक दिस। ओके, इट्स परफेक्ट। दोनों लेयर्स को फ्यू फ्रेम आगे प्लेस करना है लाइक यहाँ पर। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, सेकंड लास्ट शेप पर यू प्रेस करेंगे और पोजीशन के दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके डेल कर देंगे। इस टाइम पे हमने इसको इस साइड पे प्लेस करना है, तो लास्ट की फ्रेम पर पोजीशन पर की फ्रेम देंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम पर पोजीशन इस साइड पर। दोनों पोजीशन के की फ्रेम भी सिलेक्ट करने हैं F9 से इजी ईज और ग्राफ एडिटर में लुक चेंज कर लेंगे लाइक दिस। ओके, आफ्टर दिस टेक्स्ट टूल लेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे और आप अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। मैंने सिंपली डिज़ाइन लिखा है, कलर वाइट, मॉन्टसेरेट यूज़ कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा बोल्ड वर्जन, साइज समथिंग लाइक दिस। एंकर पॉइंट सेंटर कर लेंगे और हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी सेंटर कर लेंगे टेक्स्ट को। टेक्स्ट लेयर को एक्सपेंड करना है, एनिमेट पे क्लिक करना है, इनेबल पर करेक्टर 3D एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद अगेन क्लिक करके पोजीशन लेंगे, अगेन एनिमेट पे क्लिक करेंगे, रोटेशन लेंगे, अगेन एनिमेट पे क्लिक करेंगे एंड ओपेसिटी लेंगे। केयरफुली स्टेप्स को फॉलो कीजिए, इजी है। रेन सिलेक्टर 1 को ओपन करेंगे एंड स्टार्ट पर की फ्रेम देंगे, स्टार्ट का वैल्यू 100% एंड 0 ड्यूरेशन पर स्टार्ट का वैल्यू 0%, ओपेसिटी 0%, वाई रोटेशन 220 एंड वाई पोजिशन -400। अभी प्ले करके देखेंगे, इट्स परफेक्ट। लास्ट की फ्रेम को मैं 2 सेकेंड ड्यूरेशन पर लेके जा रहा हूँ बिकॉज काफ़ी फास्ट लग रहा था। और लेयर को हम 1 सेकेंड ड्यूरेशन पर प्लेस करेंगे टेक्स्ट लेयर को। अभी प्ले करके देखेंगे, थोड़ा ज़्यादा स्लो हो गया है। टेक्स्ट लेयर पर मैं यू प्रेस कर रहा हूँ और लास्ट की फ्रेम को फ्यू फ्रेम्स बैक लेकर आ रहा हूँ लाइक दिस। ओके, ये टाइपोग्राफी आपको कहीं पर भी काम आ सकती है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में या अपने क्लाइंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट सारे फॉन्ट यूज़ किया है, सिंपली डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, आप इसमें कलर चेंज करके, टेक्स्ट चेंज करके या पोजिशन एंड रोटेशन भी चेंज करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगेबान।